अगर आप अच्छे कपड़े पहनने के शौकीन हैं, तो जानवी टेक्सटाइल एंड कलेक्शन को बिल्कुल ना भूलें। फॉर्मल से लेकर पार्टी वेयर, वेडिंग स्पेशल क्लोथ से लेकर खुद दूल्हे के कपड़ों तक, यहाँ नॉर्मल और एवरेज से लेकर ब्रांडेड इंपोर्टेड कपड़े सभी अवेलेबल हैं। एक ही दुकान में आपको वो सब कुछ मिल जाएगा जो आप पहनना चाहते हैं। एक बार विजिट जरूर करें और स्क्रीन पर आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। भिवंडी के थाने रोड धोबी तलाव स्थित शीतल अपार्टमेंट में मौजूद एक वाटर फिल्टर शॉप पे देर रात अचानक आग लग गई। आग लगने की वजह से लाखों रुपए का नुकसान हो गया। बताया जा रहा है कि रात 3:30 बजे के करीब शॉर्ट सर्किट की वजह से यह हादसा हुआ, जिसमें बाजू की दुकान में सो रहे दो लोगों की जान बच गई। भिवंडी में पिछले कई महीनों से लॉट के प्रोडक्ट्स काफी चर्चा में आ गए हैं और नागरिक बड़ी बड़ी लॉट की दुकानों से कई फूड प्रोडक्ट्स भी खरीद रहे हैं, लेकिन जानकारी मिली है कि ना सिर्फ छोटी मोटी बल्कि बड़ी बड़ी लॉट की दुकानों में भी एक्सपायर्ड प्रोडक्ट्स की डेट मिटाकर नई डेट छापी जा रही है और नागरिकों को धोखा दिया जा रहा है। भिवंडी में पिछले कई दिनों से आग की घटनाएं बढ़ गई है। आज भिवंडी कल्याण बाईपास स्थित दो फर्नीचर गोडाउन में भयंकर आग लग गई। आग लगने की वजह अब तक सामने नहीं आ पाई है, लेकिन स्थानिकों ने अंदाजा लगाया है कि गोडाउन के पीछे कचरा जलाया जा रहा था, जिसकी वजह से फर्नीचर गोडाउन जलकर खाक हो गए। आग पर काबू पाने के लिए स्पॉट पर फायर ब्रिगेड बुलाई गई, लेकिन इस हादसे में किसी जानी नुकसान की कोई खबर नहीं है, पर लाखों रुपए के माल जलकर खाक हो गए। कल्याण रेलवे स्टेशन के ब्रिज से आज एक शख्स की लाश लटकती हुई पाई गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल किया जा रहा है। इस मामले से रिलेटेड ज्यादा जानकारी फिलहाल सामने नहीं आ सकी है और ना ही इस शख्स की पहचान अब तक रिवील की गई है। भिवंडी शहर के न्यू कनेरी पद्मनगर में ताखे से भरी ट्रक में राजू नाम के शख्स ने आग लगा दी। आग की वजह से ताखा जलकर राख हो गया और ट्रक को भारी नुकसान पहुंचा है। ये हादसा रात में 3 बजे के करीब हुआ। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने उस शख्स के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई भी जारी है। महाराष्ट्र की शिंदे फडणवीस सरकार को लेकर एक चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। कुछ महीनों पहले सत्ता में आई हुई सरकार ने 42 करोड़ 44 लाख रुपए सिर्फ एडवर्टाइजमेंट में ही खर्च कर दिए। आरोप लगाया जा रहा है कि विकास के नाम पर सरकार आम लोगों का पैसा बर्बाद कर रही है और एडवर्टाइजमेंट पर फजूल खर्च किया जा रहा है। मुंबई के जुहू बीच इलाके में आज एक पेड़ से अनजान व्यक्ति का शव बरामद किया गया है। भीड़ भाड़ वाले इस इलाके में लाश मिलने से काफी दहशत अब फैल गई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस ने किसी तरह की कोई जानकारी नहीं दी है। यूपी के इलाहाबाद में एक 15 दिन पुरानी लाश मिली है और बॉडी के पास से जो आईडी प्रूफ मिला है, उसमें मरने वाले का एड्रेस भिवंडी के हमालवाड़े का बताया जा रहा है, लेकिन अब तक भिवंडी में उनका कोई फैमिली मेंबर नहीं मिल सका है। बॉडी की हालत बुरी तरह से बिगड़ चुकी है, जिससे चेहरा आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा है। मरने वाले शख्स ने ब्लू जीन्स, ब्लैक इनर, ब्लैक जैकेट और डबल कलर्ड बेल्ट पहना हुआ है। स्क्रीन पर दिख रहे इस आईडी कार्ड से अगर आप पहचानने में हेल्प कर सकते हैं तो दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। भिवंडी के तड़ाली और कामत घर इलाकों में पानी की टाकी का कंस्ट्रक्शन किया गया है, लेकिन उस टाकी में पानी कम होने से इलाके के लोगों को पीने के पानी की भारी किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। 2 MLD वाटर सप्लाई करने की मांग नीलेश चौधरी ने म्यूनिसिपल कमिश्नर विजय कुमार मासाल से की है कि पानी की किल्लत पर विचार करें और विभाग को आदेश देते हुए पानी की टाकी के लिए मुंबई महानगर पालिका से 2 MLD पानी की मांग को मंजूरी दें। भिवंडी के कोन गांव स्थित एक कंपनी में काम करने वाले शख्स को आज पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस जानकारी के मुताबिक ऐसी खबरें मिली थी कि भिवंडी में एक बांग्लादेशी अपनी पहचान छुपा कर रह रहा है, जिसके बाद एक्शन लेते हुए 42 वर्षीय बांग्लादेशी को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया।
आपको हमारी टॉप न्यूज टुडे कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और हमारे इस काम को बेहतर करने के लिए अपनी राय भी दें। अगर आप अपने इलाके की कोई न्यूज हमें देना चाहते हैं तो हमारे दिए हुए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें।